अलदर यूनिवर्सिटी में एक और फतवा आया था कि आप अपनी बीवी के साथ फेयरवेल सेक्स कर सकते हैं फॉर 7 आवर्स आफ्टर द वाइफ इज डेड. That's What? farewell sex. Yeah. University fatwa. They want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine. Then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wife's brand completely false. Yeh keh rahe completely false hai. Much later aaya tha. Maine isko pehle dikhaya hai. ठीक है, ये वाले वो इमाम थे जिन्होंने इसको कहा था और इन्होंने इसको कहा कि तुम गलत कह रहे हो. ठीक है, कंट्रोवर्शियल न्यू फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ वाज क्लेम्ड इन अरबिक मीडिया, अरब मीडिया इज टू बी पार्ट, ठीक है, कि आप अपनी शादी के बीवी के मरने के बाद 6 आवर्स नॉट 7 आवर्स आफ्टर दी डेथ आप सेक्स कर सकते हो. क्या किया जा सकता है? बाद में इन्होंने कह दिया कि ये फॉल्स है. उन्होंने कहा फॉल्स है, हम नहीं मानते, लेकिन फतवा आया. ये देखें, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा, सॉरी. ये देखें, एलिजिबली प्रपोजल टू अलाउ इजिप्शियन हस्बैंड्स टू लीगली हैव सेक्स विद देयर डेड वाइव्स फॉर अप टू 6 आवर्स आफ्टर देयर डेथ हैव बी ब्रांडेड अ कंप्लीट नॉनसेंस. मगर फतवा तो दिया ना मुफ्ती ने, फतवा दिया. जिस मुफ्ती ने फतवा दिया उसको उन्होंने कहा तुम दोबारा मीडिया पे आ नहीं सकते. मुफ्ती ने कहा था मैं डिबेट करने को तैयार हूं. मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया, बस सारा का सारा दिखाया. बस मुफ्ती ने क्लेम किया था जिस जिसने मेरे साथ डिबेट करनी है इस टॉपिक के ऊपर आके डिबेट कर सकता है. उन्होंने कहा कि तू कभी लाइव वीडियो पे आई ना, क्यों? अदबुल दिज्जाल से काम लेना है, इल्मुल हयाल से काम लेना, नहीं बताना लोगों को, लोग डर जाएंगे, इस्लाम में आएंगे नहीं. उस मुफ्ती, अलदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती ने बोला था आओ, किसने मेरे साथ फतवा, मेरे डिबेट करनी, मैंने तमाम आर्टिकल दिखाए थे, मेरी वीडियो इसके ऊपर, फेयरवेल सेक्स के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो, मेनी ऑफ द वीडियोस मैंने की हुई है इसके ऊपर और दिखाया है सारा कुछ. क्यों क्यों? क्योंकि औरत आपकी मलकियत है. बाद में उन्होंने कह दिया, इसी पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सही कमेंट दे रही है मीना कि इसीलिए हिंदुस्तान में स्त्रियां जौहर करती थी. राजपूत महिलाओं ने जो जौहर किए जब, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को, पतियों को जब मार दिया या युद्ध में हार गए तो गुलाम सेक्स स्लेव बना के अपने हैरम्स में ले जाते थे या बाजारों में. एग्जैक्टली इसलिए करते थे. और ये उनको मालूम था कि हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी तलवार से कट के मर जाए या जहर खा के भी मर सकती थी, आग में जल के मरती थी. वो किस लिए? क्योंकि उनको मालूम था कि डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते. Exactly. तो डेड बॉडी को भी ना छुए. आप सोचो कितना हॉरर और कितनी बहादुरी है उन महिलाओं की. और हमारी वेस्टर्न फेमिनिस्ट पागल पगलेट बहने हमें बनाना चाहती है कि जौहर बहुत एंटी विमेन ट्रेडिशन का हिस्सा, हिंदू ट्रेडिशन. नहीं बहनों, दिस वॉज अ डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी. आप सोचिए कितना हॉरर होगा जो जिंदा जल जाती थी, हजारों की हजारों औरतें इन सामूहिक चिताओं में, ताकि कम से कम उनकी डेड बॉडी भी इनके हाथ में लगे. अच्छा, मैं अकबर भी, अकबर ने भी जब चित्तौड़ का किया तो मालूम है कितनी महिलाओं ने इकट्ठे उस दिन जौहर किया था. 3,000 वुमेन बर्न देमसेल्व्स, राजपूत वुमेन, ताकि अकबर के हाथ भी ना लग जाए. And everybody knows, उसके बाद उसने ये सब देखने के बाद 30,000 या 40,000 लोगों को एक ही बार में कत्ल, एक ही दिन में कत्ल किया अकबर ने. महान है. तो सवाल ये है कि ये हम पे मारा जाता है. इस्लाम के साथ नहीं कोई शिकायत करता कि आप ये करते थे या आपने स्त्रियों को जौहर तक करने को मजबूर किया. जिंदा आग में जलना उन्होंने प्रेफरेबल समझा. और ये हमारा ये डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स था. इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी एंटी वुमन प्रैक्टिस और कल्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी. आप सोचिए. चलिए, आप ये बात कर रही हैं सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं शरिया में दिखा दूं आपको कि डेड औरत के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद ही नहीं है अल्लाह की,
ये देखें जी सेक्शन 102.3 देखें, ये देखें लेफ्ट साइड, ये बाकी सब में यहाँ पे अरबी है राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे, ये जो ये सेक्शन है 102.3 इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश कहाँ है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश कहाँ है, मुझे कोई बता सकते कहाँ है? ये देखिए तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा हूं जिसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम, ठीक है? ये सेम, किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? किसी को? आई चैलेंज ऑल द मुस्लिम, जिसको शक है आ जाए मुझे बताए, शक है, मसला है, मसला है तो बताए, नहीं तो ये देखिए, एनीवन, एनी मुस्लिम, क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है ना, हु हैज सेक्स विद एनिमल और अ डेड वुमन, एनिमल और अ डेड वुमन और लिविंग वुमन बट नॉट फ्रॉम द वर्जाइना, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, दैट मीन्स फ्रॉम द एनुस, आई ई द बैक पार्ट, और फ्रॉम हिज पार्शली ओन्ड स्लेव वुमन. पार्शली ओन्ड स्लेव वुमन कौन सी होती है? ऐसी वुमन जो कि तीन या चार बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है, लिहाजा चार बंदे उसके साथ वती करेंगे, वती मीन्स सेक्स करेंगे, और फ्रॉम हिज सिस्टर हुम ही ओन्ड, ऐसी बहन, मैं कहता हूं ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं और उससे सेक्स करूं इससे पहले मैं मर जाऊं, ये भगवान, लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जिस जो के स्लेव बन गई, तो आप उसे खरीद के वापस लाए हैं, और हैव सेक्स विद हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फ्रॉम द एनस और ही मैस्टरबेट or a woman have sex with another woman, there is no had, had Allah nahi hai uske upar. But so much of Quran and Hadith and everything is about sex, 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 and the most sex-obsessed text in the world. I can't think of any other text which matches sex obsession of Quran, Hadith, and Sharia now.